ठीक है बच्चे, आज शुरू करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यस ठीक है। तो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो इसमें हम डायग्राम शुरू करेंगे पहले बनाना। ठीक है, होती क्या क्या चीजें हैं वो भी हम डायग्राम के थ्रू ही जानेंगे, एंड में कंपाइल कर देंगे सब कुछ। ठीक, यस तो हम सीधा लिखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहां से, देखो इस तरह से शुरू करेंगे। ये क्या है बेटा? दीज आर फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं इन्हें? हाँ, फिम्ब्रे। और ऊपर चल के ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। राइट, तो ये यस वाला पार्ट राइट साइड हो गया और ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड। करेक्ट। फिम्ब्रे के साथ में क्या जुड़ा होगा बेटा? सर, दिस वन इज ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी। ओवरी, ओवरी, हाँ ओवरी इधर जुड़ी होगी पीछे वाली साइड, इसको बोलेंगे बेटा ओवेरियन लिगामेंट। क्या बोलेंगे? ओवेरियन ओवेरियन, लिगामेंट, हाँ लिगामेंट। क्लियर। अभी क्या होगा, ये जो बैक वाला पोर्शन आपको यस यहां पर दिख रहा है, दिस इज ओवी डक्ट। क्या बोलेंगे इसे? ओवी डक्ट। सर, ओवरी इसी को कहते हैं डक्ट, बेटा फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसी को ही? वेरी फेलोपियन ट्यूब, गुड। इसके तीन पार्ट होते हैं, कितने पार्ट बोले? तीन। पहले पार्ट का नाम है बेटा इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इनफंडिबुलम। दूसरे पार्ट का नाम है इस्थेमस। क्या बोला? शाबाश, बोलो साथ साथ। इस्थेमस, एंड थर्ड पार्ट का नाम है एम्प्यूला। क्या नाम है? एम्प्यूला, करेक्ट। ठीक है, अब दूसरी साइड से जो यस सर, पोर्शन है ये भी कुछ इस तरह से होगा। यस राइट, सर, तो जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, यहां पर ये थ्री लेयर्ड होंगे। कितने लेयर्ड होगा? थ्री लेयर्ड होगा। फर्स्ट इनर थ्री लेयर का नाम है बेटा, क्या नाम है? पहली बात तो इस पूरे का नाम क्या है? होल थिंग इज नोन एज यूट्रस। क्या बोलेंगे इसे? यूट्रस, सबसे इनर लेयर का नाम क्या होगा बेटा? एंडो मेट्रियम। साथ साथ बोलना है मेरे, एंडो। एंडोमेट्रियम, वेरी गुड। मिडल लेयर का नाम? मायो मेट्रियम। आउटर लेयर का नाम? पेरी मेट्रियम। शावर सासत, बोलो इनर लेयर का नाम क्या है? हाँ, एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम और पेरिमेट्रियम, वेरी गुड। चलो फिर आगे चलते हैं। ये यूट्रस हो गया, तो इसके नीचे वाला पोर्शन क्या होगा बेटा? दिस पोर्शन इज नोन एज वेजाइना। यहां पर वेजाइना, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा ध्यान से देखना। यहां पर एक तो फैटी टिश्यू के दो फ्लैप प्रेजेंट होंगे,
राइट। यस सर। तो दिस फ्लैप इज नोन एज लेबिया मेजर, एंड इनर और लोअर फ्लैप इज नोन एज लेबिया माइनर। तो लेबिया मेजर और लेबिया माइनर किसके पार्ट है बच्चे? वेजाइना के पार्ट। ठीक यस सर। ठीक तो मिडल में क्या होगा? दिस थिंग इज यूरेथ्रा, जहां से सिक्रीशन ऑफ यूरिन, जहां से क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ यूरिन, यूरिन। करेक्ट। अच्छा एक चीज और याद यस रखना सर। बच्चे आपने, इसके बेस पे, वेजाइना के बेस पे देर आर अ ग्लैंड, देर इज अ ग्लैंड, दिस ग्लैंड इज नोन एज, किस चीज का ग्लैंड होगा बेटा ये? एक तो इसका नाम लिखो सबसे पहले, नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम है बेटा इसका? बार्थोलिन ग्लैंड। काम क्या है? लुब्रिकेंट रिलीज करना। क्या रिलीज करना? लुब्रिकेंट। हमने पढ़ा था ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉपर्स ग्लैंड, और दूसरे था प्रोस्टेट ग्लैंड जो लुब्रिकेंट रिलीज यस करता है। सर। तो यहां पर कौन करता है? बार्थोलिन ग्लैंड। बात समझ में? क्लियर? यस सर। हाँ जी। एक और चीज देखेंगे हम यहां पर बेटा, एक स्ट्रक्चर इस तरह से भी होगा, ऐसे। तो ये जो मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर, ये पूरा अंदर होगा, बाहर सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखेगा, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं इसे? क्लाइटोरिस। क्लियर? ठीक है जी। तो बीच में जो ये यस सर। कैनाल बनेगी ऊपर को इस तरह से, अभी देखो ना यूट्रस की 3 लेयर्स तो इधर भी होंगी, ऐसे करके 1 2 3, बीच में से ये यस सर। कैनाल बनेगी ऊपर को इस तरह से बच्चे, जो मिडल वाली कैनाल है, ऐसे वाली, जो एंड में कहाँ खुलती है? यूरिन वाली पाइप में। एंड दिस कैनाल, यूरिन वाली पाइप वैसे अलग है ना, ये ब्लैडर से आ रही पाइप, यस सर। ठीक है, ये पाइप अलग है, ये कैनाल अलग है। तो ये है मिडल का पोर्शन, यूट्रस के बीच का पोर्शन, एंड दिस कैनाल और दिस पोर्शन इज नोन एज सर्विकल कैनाल। क्या बोलेंगे बेटा इसे? हाँ, सर्विकल कैनाल। और इस बिल्कुल इस क्लाइटोरिस के पीछे क्या होगा? सर्विक्स। क्या होगा इसके पीछे? बिल्कुल सर्विक्स। क्लाइटोरिस के जस्ट पीछे सर्विक्स होगा, और ये कैनाल जो ऊपर है, दिस इज सर्विकल कैनाल। क्लियर? और इस अपर पोर्शन को बोलेंगे फंडस। क्या बोलेंगे? पंडस। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो बेटा ओवरी में बना एग, एग रिलीज हुआ तो किसने सबसे पहले उसको गैदर किया? फिम्ब्रे ने। एग को किसने पकड़ा सबसे पहले? फिम्ब्रे ने। और फिम्ब्रे से ये कहाँ जाएगा बच्चे? इन्फेंडिबुलम से होते हुए, इन्फेंडिबुलम से होते हुए, इस्थेमस से होते हुए, एम्प्यूला से होते हुए आगे जाएगा। याद रखना, इस्थेमस और एम्प्यूला के बीच में वो जगह है जहां पर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। क्या होती है यहां पर? फर्टिलाइजेशन। हाँ, अगर यहां तक स्पर्म पहुंच गया, जब यहां पर एग होगा ना बच्चे, तो अगर यहां पर स्पर्म और ये मीट कर गए, आपस में यस मिल गए, सर। फर्टिलाइजेशन होगी। नहीं तो अगर ये आगे बढ़ गया ना यहां से, तो फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगी। बात समझ में? यस सर। अब मान लो पहला केस हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, दूसरा केस हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, राइट? ना तो पहले हाँ। केस यस में क्या सर। होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गई ना,
हो गई। तो हमने पढ़ा है कि जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा? जायगोट। हाँ, तो जायगोट आगे आएगा, आएगा आएगा, और जायगोट आगे चल के कहाँ पे सर इम्बेड हो जाएगा? यूट्रस में अंदर घुस जाएगा। कहाँ घुस जाएगा जायगोट? यूट्रस। हाँ चलो, इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये पिछला वाला डायग्राम बनाया आपने साथ साथ में? यस सर। चलो, अगर नहीं बनाया होगा तो बता देना, या स्क्रीनशॉट ले लेना आपने इसका, राइट? इसे बना दिया सर। चलो ठीक है। अब देखो, यूट्रस में इस तरह से वो तीन लाइनिंग थी ना, ऐसे करके कितनी लाइनिंग थी? तीन लाइनिंग, यस सर। ऐसे करके। तीन तो इनर मोस्ट का नाम क्या था बेटा? एंडोमेट्रियम। बीच वाली का नाम था यस सर। मायोमेट्रियम। मायो मेट्रियम, और आउटर वाली का नाम मेट्रियम। था पेरिमेट्रियम। पेरिमेट्रियम। करेक्ट। अब बेटा बात कर रहा हूं मैं एग की। किसकी बात कर रहा हूं? एग। एग। एग आगे बढ़ा फर्टिलाइज होके, पहले किस में कन्वर्ट हुआ? वो जाइगोट में हुआ था जायकोट में। यस बेटा। सर। जाइगोट के बाद वो एक से दो में डिवाइड होता है, उनको दो में डिवाइड हो गया, एक से दो से चार में डिवाइड होता है, और चार से आठ में, आठ से 16 में, और 16 से 16 to 32। वन सेल डिवाइडेड इंटू टू, टू सेल डिवाइडेड इंटू फोर, एंड फोर डिवाइडेड इंटू एट, एट डिवाइडेड इंटू 16, एंड 16 डिवाइडेड इंटू 32। 16 द स्टेज 32, टू हाँ जो 32 सेल वाली स्टेज है वो आती है बेटा यहाँ पे। अब बात समझ आई? यूट्रस के पास कौन आता है? यस सर। 16 सेल वाली स्टेज को कहा जाता है बेटा मॉरुला। क्या कहा जाता है? मॉड्यूला। और 32, 32 सेल वाली स्टेज को कहा जाता है ब्लास्टुला। क्या कहा जाता है? ब्लास्टुला। तो यहां पर ये अंदर क्या कर जाता है? इम्प्लांट कर जाता है। क्या कर जाता है? इम्प्लांट। इम्प्लांट होता है कि अंदर ये धंसना, इसका अंदर इसकी पकड़ बनाना। कैसे बनाएगा वो भी बताऊंगा अभी। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है? तो इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? अगर एग्जाम में है तो लिखना, इट इज द 32 सेल स्टेज कॉल्ड ब्लास्टुला विच इम्प्लांट इटसेल्फ इंटू द यूट्रस लेयर कॉल्ड इम्प्लांटेशन। बोलो, बात समझ में आई? अब यस देखना ये कैसे करता है। तो जो ये 32 सेल स्टेज है ना बेटा, इसके यहां वाले सेल, यहां वाला पोर्शन, ये सेल्स लंबे लंबे होकर अंदर धंस जाते हैं इस तरह से, ऐसे करके, सर। जैसे फिंगर्स नहीं होती हैं, हाथ की फिंगर, आप जब उसको कहीं पे अंदर इस लेयर में डालोगे तो इस तरह से वो अंदर धंस जाएंगी, तो वो ऐसे धंस जाते हैं। तो जब बच्चे ये सेल ऐसे अंदर को धंसते हैं तो अंदर यूट्रस की लाइनिंग भी इसके अराउंड ऐसे ऐसे अपने आप को कवर कर लेती, और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जकड़ लेते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ऐसे हुआ जैसे ग्लव्स नहीं पहना जाता है ना, तो फिंगर सर। खांचे में डाल दिए जाते हैं, तो वैसे ही यहां पर इसने पहले फिंगर अंदर की तरफ, ये सेल अंदर की तरफ इलोंगेट हुए, और उसके बाद यूट्रस ने इसके अराउंड लाइनिंग बना के इसको जकड़ लिया, और यहां पे एक रिलेशन बन जाता है मदर और ब्लास्टुला के बीच, जो आगे चल के क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो बच्चे के बीच का ये स्टार्टिंग का रिलेशन है जो ये वाला कनेक्शन बना है, और बाद में जाकर यही क्या बनता है? प्लेसेंटा। क्या बनता है बच्चे?
प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम होता है मदर से फीटस की, फीटस एम्ब्रियो बाद में चल के फीटस बनता है ना, जो बाद में चल के बेबी बनेगा, तो मदर से बेबी की यस तरफ क्या सर। लेकर जाना, न्यूट्रिशन, क्या लेकर जाना, कौन लेकर न्यूट्रिशन। जाता है, प्लेसेंटा। बात समझ में। यस सर। एक्सक्रीशन का काम करेगा। तीसरी चीज, ट्रांसपोर्ट करेगा मैक्सिमम चीजें, है ना, जो भी रिक्वायरमेंट बच्चे को होगी या मदर से यस बच्चे सर। की तरफ जा सकता है, वो सारी चीजें किसके थ्रू जाएंगी, थ्रू प्लेसेंटा। बोलो, बात समझ में क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ दूसरे केस पे। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, फिर तो फिर क्या होगा, एग आएगा और आते यहां पर आके इम्प्लांट नहीं होगा एग फिर, है ना, यहां पे क्या हो जाएगा, रप्चर, क्या हो जाएगा, एग। रप्चर। तो अब दूसरे केस की तरफ आते हैं जरा। पहले केस में हमने पढ़ा कि इम्प्लांट करेगा, अब दूसरे केस में मान लो ये यूटरस की लेयर्स है, ठीक है, ये लेयर्स है, यस सर। तो ये आ गई हमारी एंडोमेट्रिया और ये आ गई पेरी मायोमेट्रिया, बाहरी पेरीमेट्रिया, ये आ गई मायोमेट्रिया और बेटा लास्ट आ गई पेरी मैट्रिया। बच्चे याद रखना, इन लेयर्स के ऊपर एक लाइनिंग होती है, किसकी, मोटी सी लाइनिंग होती है ब्लड की, किसकी होती है बेटा, ब्लड की। हाँ। तो क्या होता है कि मान लो एग आया और एग यहां से रिलीज हो गया, रिलीज माने रप्चर हो गया, क्योंकि उसे क्या चीज नहीं मिली, स्पर्म नहीं मिला, तो वो रप्चर हो जाएगा। जैसे ही एग रप्चर होगा, ये ब्लड की लाइनिंग भी क्या हो जाती है, रप्चर, ये भी रप्चर हो जाती है, और याद रखना एंडोमेट्रियम भी रप्चर हो जाती है, इनर मोस्ट लेयर, अंदर वाली लेयर, यूट्रस के पास वाली, ये भी रप्चर हो जाती है, ये सारी चीजें रप्चर होंगी और यस ये थ्रू विजाइना बाहर निकलेंगी, राइट, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं बेटा इसे, स्टोल साइकिल। 28 डेज की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहा जाता है मीनार के, क्या कहा जाता है, मीनार के। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहा जाता है मेनोपॉज, क्या कहा जाता है, मेनोपॉज। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय, फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस बाय मदर, तो जो मान लो मदर जो है, जो फर्स्ट टाइम मिल्क प्रोड्यूस करेगी, बेबी हुआ है तो अभी फर्स्ट टाइम जो मिल्क प्रोड्यूस करेगी उसे कहा जाता है कोलोस्ट्रम, क्या कहा जाता है, कोलोस्ट्रम। ये फर्स्ट मिल्क, मिल्क को कहा जाता है, ये जो पहला पहला मिल्क प्रोड्यूस करती है फीमेल। आई बात समझ में, यस सर। याद रखना कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती हैं, क्या होती हैं, एंटीबॉडीज। मदर मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं, नाम है IgA, क्या नाम है, IgA। याद रहेगा, सर किसका नाम है सर आईजी? बेटा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का नाम है IgA, जो हमें मदर मिल्क से मिलती है। यस सर। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक, नो सर। ठीक है, तो ये आपने इसको पढ़ लेना है और याद रखना है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ यस लेना सर। है, ठीक है। एक यस सर। असाइनमेंट मिलेगी आपको, दोपहर तक दे दूंगा मैं आपको बना बना के, है ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यस क्लास में सर। शुरू करेंगे, क्या करेंगे, थर्ड चीज, फ्लावर की रिप्रोडक्शन, मतलब
फ्लावर में रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है बच्चे? उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड देन उसके बाद पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन ये चैप्टर खत्म। क्लियर? यस ठीक है बेटा, चलो आज के लिए काफी है, इतना काफी है ना, पढ़ लोगे आज के दिन, ये काफी है मेरे ख्याल से। सर ठीक है बच्चे, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर। असाइनमेंट मेरे से मेरे को मैसेज कर देना, नहीं तो शाम को, अगर मैंने नहीं दी दोपहर में, है ना? यस सर ठीक है बेटा, चलो।